अच्छा, आज हम करेंगे डिस्क्राइब एसएलए आर्किटेक्चर, कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई एसएलए आईसीएमपी, कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट, ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग डिफरेंट एंटिटीज। ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड है, तो तीनों को कंबाइन करके ही हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा कि एसएलए क्या होता है, एसएलए को कॉन्फ़िगर करके एज अ आईसीएमपी हम क्या कर सकते हैं और ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट हमारा क्या हेल्प कर सकता है। तो ये तीनों पढ़ते हैं, सबसे पहले जाके थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं कि एसएलए क्या होता है। आईपी एसएलए इंटरनेट प्रोटोकॉल एसएलए मींस सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होता है? सर्विसेज जो हम देते हैं उसका हम एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि मैं आपको ये सर्विसेज दे रहा हूँ, ये 24 आवर होगा, 24/7 होगा, मैं आपको 99% अप टाइम दूंगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। और हम एक दो पार्टीज आपस में एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं या इनफॉर्मल साइन कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह आईएसपी से अब इंटरनेट लेते हो एक कंपनी वाले, तो वो उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं जिसको वो एसएलए कहते हैं। इवन दो नीचे कंडीशंस में होता है कि 99% होगा, 98 होगा, डाउन टाइम ये होगा और ब्ला ब्ला ब्ला, और ऊपर कहते कि नहीं हम तो 24 आवर आपको सर्विसेज देंगे, वो अलग स्टोरी है। तो किसी भी आईएसपी से जब आप कनेक्शन लेते हो या कोई और सर्विसेज लेते हो या कुछ और भी करते हो तो हम एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, तो इसको सर्विस लेवल एग्रीमेंट कहते हैं उधर। लेकिन इधर हम बात कर रहे हैं आईपी एसएलए के, कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है तो वो दो बंदों के दरमियान, एक या दो पार्टीज के दरमियान या दो कंपनीज के दरमियान एग्रीमेंट होता है, इधर दो डिवाइसेस के दरमियान एग्रीमेंट होगा। तो हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आप मुझे ये दो डिटेल दो। तो आईपी एसएलए हम डिवाइसेस में कॉन्फ़िगर करके मोस्टली राउटर्स में, ठीक है, ये एक फीचर होता है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, इसके थ्रू हम पीरियडिकली मेजरमेंट करते हैं अपनी सर्विसेज के कि यार जो सर्विसेज आप दे रहे हो तो मैं उस पे चेक एंड बैलेंस रख लेता हूँ। मैं चेक करूंगा कि आप जो सर्विसेज दे रहे हो ये मुझे पहुंच रही है उसी टाइम के कि नहीं, और ये सारी चीजें, ये परफॉर्मेंस, ये सब कुछ रियल टाइम में होगा। तो इसके लिए हम एसएलए यूज करते हैं, जो कि जो राउटर या स्विच है या फायरवॉल है उसमें ये बिल्ट इन होता है, हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती, इसकी कुछ एक्स्ट्रा कमांड, कुछ एक्स्ट्रा लाइसेंस या किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ये बिल्ट इन कमांड्स ही होते हैं जिसके थ्रू हम नेटवर्क के परफॉर्मेंस को, इसके रिस्पांस टाइम को, इसकी लेटेंसी को, इसके पैकेट लॉस को, इसकी बहुत सी चीजों को हम चेक कर सकते हैं कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करके। तो आईपीएसएलए के थ्रू हम मॉनिटरिंग करते हैं सर्विसेज के कि जो फ्लावर राउटर मुझे सर्विसेज दे रहा है, अच्छा ये सर्विसेज है, रिलायबल है या नहीं है, इसमें लॉस आ रहा है कि नहीं, पैकेट लॉस हो रहा है कि नहीं, रिस्पांस टाइम पे मिल रहा है कि नहीं, एंड सो ऑन, बहुत सी चीजें आप इसके थ्रू मॉनिटर कर सकते हो। इसमें एक सोर्स होता है और दूसरा टारगेट होता है, जिस तरह आम चीजों में भी हमारा सोर्स होता है। और जो हम ऑपरेशन सेट करेंगे, ऑपरेशन क्या होता है, जो दो पार्टीज एक राउटर से दूसरे राउटर के दरमियान जो हम पैकेट के डिटेल या चीजें मॉनिटर करेंगे उसको ऑपरेशन कहते हैं, जिस तरह ऑपरेशन हम नॉर्मल भी यूज करते हैं, ठीक है। जो मेजरमेंट हम करेंगे, जो डिटेल हम लेंगे, जो राउटर के पैकेट लॉस हम चेक करेंगे, इसको ऑपरेशन कहते हैं कि यार मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ आपका, मैं चेक करूंगा कि आप जो मुझे सर्विसेज दे रहे हो वो ठीक है कि नहीं है, तो इसको आईपीएसएलए कहते हैं, ठीक है। और इसको हम बहुत सी जगहों पे यूज कर सकते हैं, स्टैटिक राउट में, डायनामिक राउट में, पीबीआर में, ठीक है, बहुत सी चीजों में हम आईपीएसएलए को यूज करके, इसको यूटिलाइज करके अपने जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। एसएलए में एक हमारा सोर्स होता है और दूसरा रिस्पॉन्डर होता है। रिस्पॉन्डर जो
हमारा टारगेट होता है जो हमें रिस्पांस करेगा, और सोर्स जिधर से हम इसको डेटा सेंड कर रहे हैं, चेक चेकअप कर रहे हैं। अच्छा, SLA अकेले ICMP के लिए नहीं, RTP, TCP, UDP, DNS, DHCP, HTTP, FTP बहुत से प्रोटोकॉल के हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इधर लिखा है कि सिर्फ ICMP के थ्रू चेक कर, क्योंकि ICMP के थ्रू मोस्टली हम इसको यूज करते हैं, बाकी प्रोटोकॉल में इसका यूज इतना नहीं होता। ठीक है, ये तो था IP SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जो कि सर्विस चेकअप के लिए हम इसको यूज करते हैं दो राउटर्स के दरमियान, और रियल लाइफ में हम इसको एग्रीमेंट कहते हैं दो कंपनीज या दो पार्टीज के दरमियान होता है। अब IP SLA क्या होता है, ये ICMP को यूज करते हैं, इसके थ्रू हम इसकी चेक कर सकते हैं। तो ICMP हमें पता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, जिसमें पिंग और ट्रेस राउट आ जाते हैं। तो हम SLA में ICMP कॉन्फ़िगर करेंगे पिंग कमांड, तो ये बार बार रिस्पॉन्डर राउटर को चेक करेगा, अगर उससे रिस्पांस नहीं आ रहा है तो इट मींस कि वो डाउन है। ठीक है, जिस तरह अगर मैंने किसी को मॉनिटर करना है तो मैं बार बार उसको चेक करूंगा, तो ये चेकिंग के लिए पिंग कमांड भेजेगा। इस वजह से IP SLA में ICMP को आप यूज कर सकते हो, दो राउटर्स के दरमियान, दो एंड डिवाइसेस के दरमियान चेकिंग कर सकते हो बाय ICMP। एक पिंग भेजो, अगर रिस्पांस आ रहा है तो वो जगह वो राउटर जिंदा है और सब कुछ सही जा रहा है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम मेजरमेंट कर सकते हैं ICMP को यूज करके, और ICMP को हम यूज करेंगे। लेकिन हमने अब इसको यूज किस तरह करना है सर, इसके अंदर बैंडविड्थ भी मालूम कर सकते हो? बैंडविड्थ भी कर सकते हो एक्सचेंज में, लेकिन बेसिकली हम इसके थ्रू सर्विसेज चेक करते हैं जो मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे किस तरह, तो हम ट्रैक ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी एक कमांड हो जाए जो आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और ये दो आपको दो फैसिलिटीज देता है, स्टेटस और रीचेबिलिटी। तो हम ट्रैकिंग, जिस तरह हम नॉर्मल इंग्लिश में भी ट्रैकिंग यूज करते हैं, ट्रैक करना किसी को, तो ट्रैक हम कॉन्फ़िगर करेंगे और उस ट्रैक को असाइन करेंगे किसी इंटरफेस पे, किसी राउट के साथ। तो वो ट्रैक, जिस तरह हम ट्रैक उधर भी यूज कर सकते थे ना, HSRP, GLBP, उसमें भी यूज करके ट्रैक कमांड किसी को ट्रैक करने के लिए, चेकिंग करने के लिए, तो हम ट्रैक कमांड यूज करेंगे और उसको राउट के साथ अटैच करेंगे। हमारे टोपोलॉजी जो है दो ISPs है, सपोज आपकी एक मेन ISP है जो कि 100 Mbps है, और दूसरा आपका 10 Mbps है जो कि बैकअप लिंक है। आप चाहते हो कि मेरा पूरा ट्रैफिक इधर से जाए, जितने भी लोग हैं उनका ट्रैफिक, क्योंकि ये 100 Mbps है, लेकिन आप चाहते हो कि जब ये ISP डाउन हो, जो मेन लिंक है मेरा, तो ये दूसरा रास्ता ऑटोमेटिकली अप हो जाए, अप मींस ऑन हो जाए, पूरा ट्रैफिक इधर से जाए ऑटोमेटिकली, और जब ये ऑन हो तो दोबारा ये रास्ता ओपन हो और ये राउटिंग टेबल से गायब हो जाए ये ISP2। तो हम ये सिंपल तरीका अपनाएंगे। इसी तरह तो IP SLA को तो आप बहुत सी चीजों के लिए यूज करते हो, PBR के लिए, जो PBR हम पढ़ चुके थे, सपोज हमने ट्रैफिक सेंड किया था PBR के थ्रू इस रास्ते से और मेन ट्रैफिक इधर से जा रहा था, तो अगर हमने इस रास्ते से सेंड किया और अगर ये रास्ता डाउन हो गया तो गरीब लोग तो इधर से जा सकते हैं, लेकिन ये VIP का ट्रैफिक हमने उधर कन्वर्ट किया था, लेकिन VIP रास्ता खराब है तो ये पैकेट नहीं जाएगा। तो आप इधर भी क्या कर सकते हो, SLA कॉन्फ़िगर कर दो कि इन केस अगर ये रास्ता डाउन हो तो इसको गरीब के रास्ते पे भेज दो, आम रोड पे, जो कि हम PBR में कर चुके थे, तो उधर भी कर सकते हो, मैनी जगहों पे इसको यूज कर सकते हो। तो आते हैं अपनी टोपोलॉजी की तरफ, ये मेरी टोपोलॉजी है,
इधर ये मैंने एज अ इंटरनेट राउटर लिया है और इधर एक लूप बैक कॉन्फ़िगर किया है 8.8.8. ये ISP1 और ISP2 कॉन्फ़िगर है 192.168.2.2 नेटवर्क से. इंटरनेट और ISP2 कॉन्फ़िगर है 192.168.3 नेटवर्क से. तो इधर 3.3 है और इधर 3.2 है, इधर 2.1 है, ठीक है. इसी तरह इधर तीनों स्विचेस राउटर जो है ये एक ही स्विच से कनेक्टेड है, तो सेम नेटवर्क है. इसका 1.1 है, इसका 1.2 है और इसका 1.3 है. यहां तक इस राउटर पे मैंने EIGRP चलाया है ताकि हमारी रीचेबिलिटी हो. इधर मैंने लिखा आईपी राउट नो राउटर EIGRP 000. तो इनकी तीनों इंटरफेसेस 00 में आ गए. ISP1 पे मैंने लिखा है वो राउटर EIGRP 192.168.2 और 192.168.1 और इधर भी लिखा है 3 और 1. तो यहाँ तक EIGRP चल रहा है, लेकिन इस पे मैंने EIGRP नहीं चलाया है. तो ये इधर से इधर नहीं पहुँचेगा, और जब नहीं पहुँचेगा तो उसके लिए हम इस पे स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करेंगे SLA के थ्रू, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा ट्रैफिक इधर से जाए. भी ले सकते, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है. तो मैंने इस पे सिर्फ EIGRP कॉन्फ़िगर किया है, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी मैं भेज दूंगा. तो ये IPSLA, ठीक है. ये ISP1 पे कॉन्फ़िगरेशन है, मैं सिर्फ पी EIGRP चला देता हूँ. मेरे ख्याल में है भी ऑलरेडी, अगर नहीं है तो उधर से कॉपी करके चेक कर लेता हूँ. तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ सबको. पहले डिटेल दिखा देता हूँ. तो हास्ट पे जाके जो कि मेरा लोकल राउटर है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ. तो इधर सिर्फ इसको मैंने 1.10 आईपी असाइन की है. ये है 192.168.1.10, जिस तरह मैंने आपको कहा था. और इस पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, कोई राउट नहीं है, सिर्फ इसके कनेक्टेड इंटरफेस है. ISP1 के दो इंटरफेसेस है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 2.1 जो कि उस साइड पे कनेक्टेड है, 2.1 ये, और ये 1.1 इस साइड पे कनेक्टेड है. और शायद इस पे प्रोटोकॉल चल रहे है कि नहीं, तो इस पे EIGRP चल रहा है. और EIGRP जो मैंने रन किया है, अगर मैं शो रन सेक्शन EIGRP कर दूं, तो मैंने कहा राउटर EIGRP 1 को एडवर्टाइज कर दो और 2 नेटवर्क को, क्योंकि इसके दो नेटवर्क है, ये और ये. इसी तरह ISP2 में भी यही काम मैंने किया है रीचेबिलिटी के लिए. शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 3.2 और 1.2 है. शो रनिंग सेक्शन EIGRP, तो EIGRP में मैंने 1 और 3 एडवर्टाइज किया है. ये इसका 3 इंटरफेस है, ये 1 इंटरफेस है. और जाते हैं इंटरनेट राउटर पे. इंटरनेट राउटर के 3 इंटरफेसेस है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 8.8.8 मैंने लूप बैक बनाया जो कि गूगल रिप्रेजेंट कर रहा है, 2.3 और 3.3. दूसरा मैंने इस पे किया है सेक्शन EIGRP, ये इस पे मैंने सब कुछ एडवर्टाइज किया है. तो हास तो रीचेबल नहीं होगा, ISP तो रीचेबल होगा. अगर मैं पिंग करूं 8.8.8.8 को, ये तो पहुंच रहा है ISP1. ISP2 भी रीचेबल होगा 8.8 तक, ठीक है. इंटरनेट भी दोनों राउट तक पहुंच जाएगा 192.168.2.1 और 3.2, दोनों तक पहुंच सकता है. मींस ये तीनों का तो कोई इशू नहीं है, आपस के सारे राउट पिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जीआरपी के पार्ट है. मसला हॉस्ट के लिए है, ये हॉस्ट राउट जो है. अगर हॉस्ट से मैं क्या सिर्फ पिंग कर सकता हूँ अपने दो राउट 1.1 को, जो कि पिंग होना चाहिए, ये 1.1 है क्योंकि अब तीनों स्विच से कनेक्टेड है, और 1.2 जो कि ये ISP2 है, ये भी पिंग हो रहा है. हाँ, अगर हॉस से मसला ये, इससे आगे मैं नहीं जा सकता. अगर मैं 8.8.8 को पिंग करूंगा तो मेरे पास जाने का तो रास्ता है, या इधर से या इधर से, दोनों सेम रास्ते हैं. लेकिन मसला क्या होगा,
वापस आने का कोई तरीका कार नहीं है क्योंकि इसमें कोई राउट कॉन्फ़िगर नहीं है, इसमें शो आईपी राउट सिर्फ कनेक्टेड है। ईआईजीआरपी अगर मैं इसमें चला दूं तो बात खत्म हो जाएगी, लेकिन इस पर मैंने नहीं चलाया है तो इस वजह से मैं नहीं पहुंच सकता। अब मैं चाहता हूं एसएलए को, क्योंकि मेरा टारगेट स्टैटिक राउट है और स्टैटिक राउट में मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये राउट सिर्फ इंस्टॉल हो, क्योंकि या तो मैं ये कर सकता हूं, दोनों इक्वल राउट है। अगर मैं इस तरह कर दूं तो मैं क्या करूंगा, आईपी राउट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो 192.168.1.1 जो कि ISP1 है, ये लिख देता हूँ और दूसरा 2 लिख देता हूँ जो कि ISP2 है। लेकिन क्या होगा, मेरा ट्रैफिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये कह रहा है कि मैं कभी इधर से भी डेटा सेंड करूंगा 1.2 से और कभी 1.1 से, क्योंकि दोनों इक्वल पाथ है, क्योंकि ये भी फास्ट इथरनेट है और ये भी फास्ट इथरनेट है, दोनों का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस सेम है। तो अगर मैं इधर से पिंग करूं, अब तो मैं पिंग कर सकता हूं 8.8 को, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये 8.8 कहां से जा रहा है, तो ट्रेस राउट 8.8.8.8, तो मैं जा रहा हूं 1.1 से भी और 1.2 से भी, कभी 1.8 से जाऊंगा कभी 1.2, मींस दोनों से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके जा रहा है। अगर मैं इसको न्यूमेरिकल करके, ठीक है, तो ये 1.1 और 1.2, कुछ ट्रैफिक इधर से और कुछ इधर से जा रहा है, लेकिन मेरा तो टारगेट ये नहीं है। अब कहोगे कि हाँ ये भी कर सकते हो, मुझे पता है जो कि हम कर चुके थे CCNA में, ये एक का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हाई कर दो, 5 कर दिया, शो आईपी राउट, अब मेरे पास एक राउट आ गया 1.1, डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन बहुत सी सिनारियो में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इसको वॉच करोगे तो हम क्या कर सकते हैं, एसएलए कॉन्फ़िगर करेंगे कि भाई पूरा ट्रैफिक इधर से जाएगा, ये मेरा डिफॉल्ट राउट होगा, क्योंकि इसका बैंडविड्थ 100 मेगाबिट्स पर सेकंड है और नीचे जो मेरा है ये 10 मेगाबिट पर सेकंड है एज अ बैकअप लिंक है। मैं इसको तब यूज करूंगा जब ये ऊपर वाला अवेलेबल ना हो। तो मैं क्या करूंगा, अब आते हैं, मैं उस राउट को डिलीट कर लेता हूं दोनों को, ये था एक और दूसरा ये था, चेक कर लेते हैं कि कोई राउट तो बाकी नहीं है, सेक्शन राउट ठीक है कुछ नहीं है, शो आईपी राउट तो मेरा कुछ भी नहीं है और मेरा पिंग भी आप रीचेबल नहीं होगा, नहीं है। अब आते हैं अपनी एसएलए की तरफ, हास राउट में मैं एसएलए कॉन्फ़िगर कर दूंगा ट्रैक को साथ लेके कंट्रोल शिफ्ट 6, इससे निकल के कॉन्फ़िगरेशन मोड में आके सबसे पहले मैं करूंगा आईपी एसएलए, ये कमांड है। इधर लाखों नंबर आप दे सकते हो, जो नंबर आपको पसंद है, अब इधर नंबर टाइप कर दो, तो मैंने 1 टाइप कर दिया, आपकी मर्जी जो भी टाइप करना है, तो IPSLA 1 कर दिया, क्वेश्चन मार्क, तो जिस तरह मैंने कहा ये DHCP के लिए ऑपरेशन भी करता है, DNS के लिए भी, FTP के लिए, HTTP के लिए, MPLS के लिए, बहुत से प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, वॉइस ओवर IP की चेकिंग के लिए, लेकिन मैं जो मैं यूज करना चाहता हूँ और जो कोर्स का पार्ट है वो है ICMP-ECO को, तो मैंने कहा ICMP-ECO को, तो उसने कहा ICMP-ECO को मुझे बताओ किसको बार बार पिंग करना है, तो मैंने कहा 192.168.1.1 को, ISP1 के IP को एंटर कर दो। पहले मैंने कहा IPSLA1, फिर मैंने कहा ICMP इसको बार बार पिंग करो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने टाइप किया इस वजह से एरर दे रहा है, और क्वेश्चन मार्क लगा के इधर एक और काम भी करूंगा, फ्रीक्वेंसी
कि कितनी फ्रीक्वेंटली इसको पिंग करूं मैं, कितनी फ्रीक्वेंटली। तो मैंने कहा हर 10 सेकंड के बाद इसको फ्रीक्वेंटली सेंड करते जाओ, इसको पिंग करते जाओ 10 सेकंड, आपकी मर्जी। और फिर मैंने कहा टाइम आउट, कि ऑपरेशन का टाइम आउट क्या होगा। तो मैंने कहा 5000 कुछ भी दो, ये मिलियन सेकंड है, ठीक है। अगर मैं टाइम आउट लिख दूं तो इधर आ जाएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये है मिली सेकंड में। वो था फ्रीक्वेंसी जो था वो सेकंड में था, फ्रीक्वेंसी ये सेकंड में था। इस वजह से मैंने डिफॉल्ट 60 होते हैं, मैंने 10 दिया कि हर 10 सेकंड के बाद पिंग करो, और अगर 5000 मिली सेकंड तक आंसर नहीं आया तो आप क्या करो, वो अभी करने वाले हैं। ये दो काम मैंने किए यहां तक, इधर से एग्जिट। अब आते हैं कि क्या करना है, IPSLA। अच्छा, ये कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड में लिखना है शेड्यूल स्केड्यूल, एस क्या है, हाँ शेड्यूल कर दो या स्केड्यूल कर दो, जो भी आपकी मर्जी। कौन सा SLA 1 को कब स्टार्ट टाइम बता दो। मैंने कहा स्टार्ट टाइम नाउ, अभी से स्टार्ट कर, कब तक, पूरी जिंदगी, फॉर एवर। ये मैंने कमांड टाइप कर दिया IPSLA कॉन्फ़िगरेशन मोड में। 1 जो था वो SLA का नंबर था, स्टार्ट टाइम मैंने कहा अभी और फॉर एवर, इसको रन करते जाओ। चेक कर लेते हैं, शो IPSLA स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स मुझे बताओ। इसने कहा कि ID 1 है ऑपरेशन की, ऑपरेशन में जो आप यूज करें वो ICMP इको है, रिटर्न ट्रैफिक जो होगा वो 63 मिलियन सेकंड होगा, ठीक है, और SLA स्टार्ट हुआ है यह इस टाइम से, फिलहाल आपका रिटर्न कोड ओके है, सब कुछ हो रहा है, और सक्सेसफुल इतने हैं। अब 5 सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि हर 10 सेकंड के बाद जाता है, तो 5 5, क्योंकि 10 सेकंड अभी पूरे नहीं हुए हैं, ये 6 हो गया, कि 6 सक्सेसफुल हो गया, मींस वो ISP1 जो है वो पिंग हो रहा है, और कब तक पिंग होगा, फॉरएवर होगा। तो हमारा तो काम बन गया, ये काम तो हो गया कि ये उस पे चेक रखेंगे SLA, उसको चेक करेंगे कि सर्विस इसको चेक करें, यार आपने तो मुझे एग्रीमेंट किया था कि आपका इंटरनेट डाउन नहीं होगा, मैं रोज ऑफिस जाता हूँ, जब घर आता हूँ तो 1 घंटे उसको चेक कर लेता हूँ, तो 1 घंटे में ये 2 दफा डाउन हो गया, ये SLA है, ये अभी SLA चेक कर रहा है, यार झूठ बोल रहे हो, आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि आपका इंटरनेट 24 आवर होगा और अनलिमिटेड डाउनलोड होगा, मैंने लास्ट मंथ एक बड़ा फाइल डाउनलोड किया तो उसके पैसे आ गए, वो इंटरनेट मुझे एरर दे रहा था, या तो इस किस्म को चीज को चेक करने के लिए हम इधर SLA यूज कर रहे हैं, मैं ISP1 को चेक कर रहा हूँ कि वो कब डाउन होगा। लेकिन इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे ट्रैक कमांड लगा दूंगा, क्योंकि हमारे पास 2 राउट है। तो चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे, और इधर लिख दूंगा ट्रैक, ट्रैक कमांड होता है, आप कुछ भी नंबर दो, 500 तक दे सकते हो, तो मैंने इधर भी 1 दिया, आपकी मर्जी जो भी नंबर दो। मैंने कहा ट्रैक 1 IP, और IP के बाद हमारे पास राउट है और SLA है। मैंने कहा SLA मैंने कॉन्फ़िगर किया है, वो कह रहा कौन सा SLA था उसका नंबर बता दो, मैंने कहा 1 था। दो चीजें मैंने आपको कही थी, ये चेक कर सकते हैं, रीचेबिलिटी चेक करनी है कि स्टेटस, मैंने कहा रीचेबिलिटी चेक करनी है, ये हो गया ट्रैक कमांड। मैंने कहा ट्रैक का नंबर 1 है, IPSLA का नंबर 1 है, उसकी रीचेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं यहाँ, कुछ भी और नहीं करना है, अपने राउट पे आते हैं। मैंने कहा IP राउट कुछ भी डिस्टिनेशन हो, कुछ भी डिस्टिनेशन का सबनेट मास्क हो, 192.168.1.1, अगर मैं इधर क्वेश्चन मार्क कर दूं तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस भी है लेकिन ट्रैक कमांड भी है, मैं इधर वो ट्रैक लगा दूंगा। उसने कहा ट्रैक का नंबर क्या, मैंने कहा 1, दैट्स इट।
और इस ट्रैक को हटा के दूसरा राउट मेरे पास 2 था। अब इस पे मैंने चेक बैलेंस लगा दिया पहले राउट पे, ये वाला पूरा ट्रैफिक अब इधर से जाएगा। सॉरी ये मैंने गलत किया, इस दूसरे का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ज्यादा करना है, ये वाला इसको हटा के दोबारा सेट करके इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 10 कर दिया ताकि ये राउटिंग टेबल में ना आए। शो आईपी राउट तो मेरे को सिर्फ ये शो कर रहा है, और इस पे मैंने चेक लगाया है ट्रैक, डोंट वरी, ये ट्रैक कमांड इसके साथ मैंने अटैच किया है कि इसको रेगुलरली चेक करो। अगर ये ट्रैक डाउन हो गया तो इस राउट को भी डाउन करके रिमूव कर दो राउटिंग टेबल से। फिलहाल राउटिंग टेबल में ये है तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला आ जाएगा जो कि 10 इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, जो कि अभी नजर नहीं आ रहा है। तो अब पिंग कर लेते हैं, मेरा तो पूरा ट्रैफिक उधर से जाएगा, ये तो कंफर्म है 1 से जा रहा है। अगर मैं ट्रेस राउट कर दूं 8.8.8 तो ये 1 से ही जा रहा है, अब मुझे दोनों शो नहीं कर रहे हैं, 1 से जा रहा है। तो 1 को डाउन डाउन कर लेते हैं ISP1 को, ये वाला इंटरफेस। तो ISP1 में सपोज ISP किसी वजह से डाउन हो गया, 0/1 शट डाउन। अब हर्स को देख इधर ट्रैक कमांड चल जाएगा और हमारा SLA भी चल जाएगा। अगर मैं SLA की स्टैटिस्टिक्स को देखूं तो इधर फेलियर स्टार्ट हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि 10 सेकंड लगते हैं, ये 10 सेकंड पूरे हो गए। ये कह रहा है कि रीचेबिलिटी इज डाउन, किसने IP SLA 1 रीचेबिलिटी और ट्रैकिंग ने ये जनरेट कर दिया। अगर मैं स्टैटिस्टिक अब चेक कर दूं तो ये 2 फेलियर अब ज्यादा होते जाएंगे और कोड ओके की जगह टाइम आउट हो गया। RTP रिटर्न ट्रैफिक नो कनेक्शन बिजी और टाइम आउट आ गया, 2 फेलियर, इसी तरह 3 फेलियर, 4 फेलियर, इसी तरह ये अब नहीं है। अगर मैं शो ट्रैक कर दूं, शो ट्रैक 1 जो था हमारा, वो कह रहे कि IPSLA रीचेबिलिटी थी लेकिन रीचेबिलिटी अभी फिलहाल डाउन है और ऑपरेशन कोड टाइम आउट है। तो इसका मकसद ये हुआ कि अगर मैं शो IP राउट कर दूं तो इधर दूसरा राउट ऑटोमेटिकली आया है 1.2 जो कि 10 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस था। इससे पहले हमारा पहले वाला था ये है जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 1 जो डिफॉल्ट था। तो अगर ISP अब अगर मैं पिंग करूं, पिंग तो हर हाल में होगा दोनों से सूरत में, अगर मैं ट्रेस राउट कर दूं 8.8.8 तो इस दफा मैं जा रहा हूं 1.2 से। एक और काम कर लेते हैं, ISP को दोबारा अप कर लेते हैं। जिस तरह ISP ऑन हो गया ये राउटिंग टेबल से ये 2 ऑटोमेटिकली हट जाएगा और 1 इंस्टॉल हो जाएगा। IPSLA जो था, जो कि इशू था, उसमें ट्रैकिंग में ये रीचेबिलिटी अप हो जाएगी और स्टैटिस्टिक्स इसका ये टाइम आउट ओके हो जाएगा और इधर RTP का मुझे देगा और सक्सेसफुल ज्यादा हो जाएंगे। तो आते हैं, ये आ गया 10 सेकंड कंप्लीट हो गए। ट्रेस राउट अगेन मैं 1.1 से जा रहा हूँ।